प्रधानमंत्री जी को जब चुनाव पास होता है तभी आदिवासी खास क्यों लगते हैं, ये भी सोचने की विषय है कि जब उन्हीं की सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार झारखंड में, तो CNT एक्ट में संशोधन लाने का कोशिश किया गया था। 500 एकड़ जमीन से भी अधिक लैंड बैंक में जो डालने की कोशिश किया गया, इनफैक्ट कोशिश किया, डाला गया, तमाम चीज़ों में तो उन्होंने कोई चर्चा किया नहीं। जो एससी एट्रोसिटी एक्ट है उसको कमज़ोर करने का जो कोशिश किया गया उनके सरकार के द्वारा, तो उन सभी चीज़ों को किया नहीं। अब ऐसा आदिवासी ऐसा फैक्टर बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तब तक मोदी जी को हम लोग आदिवासी जो हैं उनको खास लगेंगे। एरिया 1996 उसके अंतर्गत नियमावली बनाए जाए, क्योंकि जो ग्राम सभा सामान्य क्षेत्र में है और जो ग्राम सभा अनुसूचित इलाकों में है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और इस अंतर को अगर हम लोग पंचायती राज के नियम के तहत अगर नियमावली बना के अगर लागू करेंगे तो इस अंतर को हम लोग स्वतः ख़त्म कर देंगे, जिससे आगे जाके जो जितने भी ट्राइब्स हैं उनको बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। आज इसमें अच्छे सार्थक चर्चा हुई और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय CM साहब ने भी ये डायरेक्शन दिया है कि हम सभी जितने भी सदस्य हैं अपना इसमें एक मंतव्य विभाग को लिखें और उसके अनुसार फिर से इसको चर्चा में लाया जाएगा। साथ ही साथ मेसा जो है, म्यूनिसिपल एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरिया, इस पर भी चर्चा होनी थी, मगर किंतु ये पार्लियामेंट के दायरे में पड़ता है इसलिए इसको चर्चा में नहीं लाया गया। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा निर्णय भी लिया गया है आज, जो CNT एक्ट में जो थाना साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट का जो लिमिटेशंस है लैंड परचेज और सेल में, उसको भी उसका जो दायरा है उसको बढ़ाने का हम लोगों ने कोशिश किया है और ज़रूरी भी था, क्योंकि झारखंड जो अलग हुआ बिहार राज्य से, उसके बाद थाना क्षेत्र भी अब अलग हो चुका है। कई ऐसे गांव हैं जो अलग थाना में आते हैं अब, और ऐसे कई सारे जिला हैं जो भी पहले बिहार राज्य में जो जिला थे अब वो जिला दूसरे जिला बन चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ों को भी, दायरा लिमिटेशन जो एरिया था इसको भी बढ़ाने का हम लोगों ने आज चर्चा किया है। इसके साथ ही साथ कई सारे ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुआ, जैसे आने वाले समय में जो हम लोगों को स्कोप में लाना है, चर्चा में लाना है, उसके बारे में भी आज काफ़ी सारे विमर्श किए गए हैं। तो मुझे लगता है एक रूप से सार्थक था। चिंता का विषय ये है कि ऑपोजिशन से जितने भी सदस्य हैं दे डिडंट टर्न अप, बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक टैक बहुत ही पावरफुल कमिटी है और इस कमिटी में जितने भी आदिवासी हैं और जितने भी आदिवासी प्रतिनिधित्व करता है वो अपने समस्याओं को आके यहाँ पे पटल में रखते हैं, मगर विपक्ष के साफ तौर से जो ये लोग कहते हैं कि हम आदिवासी हितैषी है, आदिवासी हितैषी है, मगर उनके लिए कोई भी चर्चा यहाँ पे रखा नहीं गया, उनके तरफ से कोई अटेंडेंस नहीं रहा, तो ये चिंताजनक है। अगर वो अपने आप को इतना हितैषी बताते हैं आदिवासियों, तो कम से कम इस पटल में आके बिल्कुल अनबायस्ड रूप से अपना जो होता है, अपना एक ओपिनियन होता है, अपनी जनता की जो समस्याएँ होती हैं उसको रखना ज़रूरी है। बिल्कुल, झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ के आदिवासी बहुत ही खास हैं, मगर प्रधानमंत्री जी को जब चुनाव पास होता है तभी आदिवासी खास क्यों लगते हैं, ये भी सोचने की विषय है। जो उन्होंने कल दावे किए आदिवासियों के लिए, तो ये सभी चीज़ों को भी उनको एड्रेस करना चाहिए था कि जब उन्हीं की सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार झारखंड में, तो CNT एक्ट में संशोधन लाने का कोशिश किया गया था। 500 एकड़ जमीन से भी अधिक लैंड बैंक में जो डालने की कोशिश किया गया, इनफैक्ट कोशिश किया, डाला गया, तमाम चीज़ों में तो उन्होंने कोई चर्चा किया नहीं। जो एससी एट्रोसिटी एक्ट है उसको कमज़ोर करने का जो कोशिश किया गया उनके सरकार के द्वारा, तो उन सभी चीज़ों को किया नहीं, उन्होंने चर्चा नहीं किया या उसमें अपना कोई बयान नहीं दिया उन्होंने। और इसीलिए हमें लगता है जब जब अब ऐसा आदिवासी ऐसा फैक्टर बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तब तक मोदी जी को हम लोग आदिवासी जो हैं उनको खास लगेंगे। यहाँ पे वो कुछ बजट सैंक्शन करके जाएंगे, मगर इसके साथ आप देखेंगे ट्राइबल सब प्लान का जो इतना ह्यूज बजट, जो UPA की जब सरकार थी तो ट्राइबल सब प्लान जैसे योजना हम लोगों ने बनाने का काम किया था, उसके तहत जितने भी ट्राइबल एरियाज वहाँ पे प्लानिंग के तहत, योजना के तहत वहाँ पे कार्य करना, सारा पैसा को एक इसमें रिसर्च भी है जिसको मैंने विधानसभा में भी उठाया था, सारे पैसा को माइनिंग एक्सप्लोरेशन के लिए अब यूटिलाइज किया जा रहा है। ऐसे हालात में आप आ रहे हैं यहाँ पे चुनाव से, छत्तीसगढ़ में चुनाव, जो हमारा नेबरिंग राज्य है, वहाँ पे चुनाव से 2 दिन पहले आप इस तरह का घोषणा कर रहे हैं,
उसको और क्या रूप से देखा जाए। इतना 9 साल था, 9 साल में एक पिछला साल था 6 महीना था, चुनाव के 2 दिन पहले अगर आप इस तरह से घोषणा कर रहे हैं, तो इसको एक तरीके से इलेक्टोरल और पॉलिटिकल एजेंडा की ही तरह देखा जा सकता है।